असलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आज हमारा थर्ड पेपर है फोरेंसिक मेडिसिन का। आज बाबा में छोड़ने जा रहे हैं। आज मैं ज्यादा पढ़ रहा था काफी देर तक, तो बस अभी नींद आज नहीं मेरी थोड़ी पूरी, सिलेबस थोड़ा ज्यादा था तो मैं ज्यादा वो नहीं कर पाया, सो नहीं पाया। ठीक है, धुंध धुंध हो रही है, बाबा गाड़ी में वेट कर रहे हैं, गाड़ी में बैठते हैं, व्लॉग स्टार्ट हो गया है, कॉलेज चलते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। कॉलेज पहुंच चुके हैं, मैं बस अभी रिवाइज कर रहा हूँ अपने मोबाइल से ही। वहाँ पे सीधा हमारी बिल्डिंग है, वहाँ पे हमारा टेस्ट होता है, पेपर मेरा मतलब। हाँ जी, तो यार सर्दी इतनी ज़्यादा है ना कि बंदा क्या बताए, अल्लाह करे ये भी अच्छा हो जाए। बस अभी मैं यहाँ बैठ के रिवाइज कर रहा हूँ, ये माहौल है। अभी ज़्यादा बंदे बच्चे अभी नहीं आए, कम ही आए हैं, अभी 8 बज रहे हैं, मैं आज जल्दी आ गया हूँ पता नहीं क्यों। खैर अच्छा, बैठ के यहाँ पे आराम से रिवाइज करते हैं। कवर तो मैं हुआ हूँ, ठंड नहीं मुझे लग रही, लेकिन ठंड है बहुत ज़्यादा सगोदा में। चलें खैर रिवाइज करते हैं, फिर पेपर के बाद मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? पेपर शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो चुका है, पास हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे मार्क्स से घर चलते हैं। खैर बाय द वे हमने एक मेहंदी पे भी जाना है, कल जाएंगे होपफुली, हमारी मैडम है उनकी मेहंदी है, वहाँ पे हमने जाना है, वहाँ पे आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। वहाँ पे हमने बहुत शुगल मिला प्लान किया हुआ है, कवाली नाइट वगैरह बहुत कुछ है, तो आपको सब दिखाएंगे वहाँ जाके। ठीक है, तो अभी यहाँ से ज़रा चलते हैं घर, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, हाथ मेरे काम पर है, ब्लॉग मेरे से बन नहीं रहा, अभी यहाँ से चलते हैं घर। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? जैसे मैंने आपको बताया था, हमारी मैडम की मेहंदी है, फ्रेश होके आया था लेकिन बाल अभी जो है बनाने, अभी हमने तैयार होना है एक्चुअली, वगैरह चेंज कर लेते हैं, तैयार हो ले तो यार वो टिकटॉक वाली गंदी ट्रांजिशन कर लेते हैं। ठीक है साले, हाँ जी, तो तैयार वगैरह हो गए हैं, हमारा आज का ये आउटफिट है, क्योंकि वहाँ पे जो थीम है ना वो थीम है ब्लैक और साथ शॉल का। शॉल मैंने अभी सही तरह ली नहीं है, शॉल भी लेते हैं, बाल वगैरह मेरे ख्याल से सही बन चुके हैं आज। बाय द वे हम लोगों ने वहाँ पे परफॉर्म भी करना है, गिटार वगैरह साथ लेके जाएंगे और इंशाल्लाह परफॉर्म भी करेंगे। तो अभी तैयार शर हो गए हैं, अब चल गाड़ी आती है। गाड़ी असल में लेके गया हुआ है अलियान, उसकी वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ। अब अलियान आता है तो हम उससे गाड़ी लेंगे और फिर हम निकलेंगे। ठीक है चलो जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? हम लोग इवेंट पे वेन्यू पे पहुँच चुके हैं। एक्चुअली जो कवाल वगैरह हैं वो मेरे साथ ही कोऑर्डिनेटेड थे, तो उनको मैं ही लेके आया हूँ, तो अब वो यहाँ पहुँच चुके हैं, हमने उनको अंदर वहाँ बिठवा दिया है। हमने कहा यार आप यहाँ पे कोजी होके बैठो, अब हम लोग जाएंगे अंदर इवेंट पे। मैम जो है वो अभी तक नहीं पहुँची, तो उनसे अब हमें नहीं मिलेंगे। हमारे दोस्त वगैरह सारे अंदर आ चुके हैं, आपको अपने एक और दोस्त से भी मिलवा देते हैं। ठीक है, तो अभी पहले हम अंदर चलते हैं, अंदर जाके फिर आपसे मिलते हैं। दोस्त वगैरह सारे इधर आ गए हैं, बैठे हैं अहमद, वो ये काजिम वगैरह भी इधर आ गए हैं। बाय द वे ये हमारे भाई हैं अयान भाई, बेस्ट गिटारिस्ट ऑफ सरगोधा। आज कबाल वगैरह हम इनके साथ लेके आए हैं। ठीक है, हमारे अयान भाई हैं, बाकी सबसे भी मिलवाते हैं, सारे आ चुके हैं, अभी इनसे मिलते हैं। मैं अभी भाई कबाल वगैरह के अरेंजमेंट कर रहा था, शोर बहुत है यहाँ पे। बाय द वे आपको अच्छी दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तो अभी खाना वगैरह जो है वो खुलने लगे, पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आ नहीं रही, तो हमने कहा पहले खाना शाना खा लें, बाकी फिर आपको सारे माहौल वगैरह दिखाते हैं। भाई लोग कह रहे हैं भाई ये टीवी क्यों है, ये टीवी क्यों आगे काफी माहौल। अभी तो जो मजा है अभी वो आने, अभी खाना सबसे पहले होने लगा, उसके बाद सारी परफॉर्मेंसेस कमाल वगैरह। आपके भाई की परफॉर्मेंस है यार, अहमद का डांस क्या बात है भाई, डांस नहीं होता। खैर खाना शाना पहले खाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। हाँ जी, तो हमारे जूनियर्स भी आए हुए हैं आज, इनका बताओ यार पेपरों के बारे में पहले तो बताओ, प्रॉफ तुम लोगों का कैसा हुआ है पेपरों का बारे में बताओ, पेपर वगैरह बड़े अच्छे इनके, इनका आज आखिरी था तो इसलिए ये लोग तो आए हुए, हमारे तो भी एक है तो उसके, इसलिए हम लोग अभी ज़्यादा रिलैक्स नहीं है। वैसे ये साथ शयान है, शयान ब्लॉग शयान, और ये शयान है और ये अब्बास है। ठीक है, हेलो ब्रो, मैंने कहा जूनियर्स को भी ले लें, बॉयज को जरा
ऐसा क्या हुआ? ये इसकी शक्ल देखो ना, शक्ल से पता लगता है अश्लील। शक्ल तो ठीक है, शक्ल तो प्यारा है यार, वही ना अश्लील लौंडा, मतलब इसकी वजह से लौंडे खराब हो रहे। वे नहीं, क्या बोल रहे हैं? गलत बहुत गलत बात कर रहे हैं। कोई नहीं, हम फैमिली फ्रेंडली व्लॉग आज नहीं बना रहे, आज नो फैमिली फ्रेंडली। फाइनली हम अब खाना खाने लगे हैं, मैम को लेके गए थे घर, बहुत मजा आया। अभी तो शुगर रहने हैं, अभी मेरी परफॉर्मेंस है, खाना जल्दी से मुकाते हैं। भाई लोग भी खा रहे हैं सारे, खाना जल्दी से खाते हैं, नेक्स्ट चीजें आपको बाद में दिखाते हैं। फैंस मिल रहे यार, बस नॉर्मल है, नॉर्मल है हमारे लिए, बेशक ऐसा ही है। बहुत अच्छा भाई ने किया इधर मनोरंजन। यार आपको कैसा लगा? पेश किया भाई ने मनोरंजन, हमारे का अंडे वाला यार, भाई की तालियां बजी, अंडे वाला बर्गर, अंडे वाला। अभी अभी बस यहाँ पे कमाल वाला बर्गर, कमाली का सेटअप होने लगा यहाँ पे यार, मेरे को अंडे वाला। हाँ ये कर लो पहले, अंडे वाला बर्गर, कवाली सेटअप होने लगे यहाँ पे हम लोग। लेकिन थोड़ी देर में बहुत मुश्किल हो गया बॉस, यहाँ पे बहुत मुश्किल हो गया। बस फ्राइडे है जी, जी जैकेट पहन ले, सर्दी लग रही है, जैकेट पहन ले यार, बहुत ठंड लग रही है। तो भाई जान इसकी जो जैकेट है ना, ये होगी थी शेरे की जैकेट, ये होगी थी चोरी। अब हम पूरे उसमें देख रहे हैं कि कहाँ है ये हमारे भाई, ये शेर है, तू शेर है ना, हाँ ये दो शेर है। अब ये इन्होंने नहीं जान छोड़ी, इन्होंने कहा कहाँ गई है, कहाँ गई है। वो ढोलक वाले थे लड़के दो, वो ना इसे लपेट के, तू बता भाई जान, वो लपेट के लेके जाने लगे थे, उन्होंने एक ने लपेट लिया, दूसरे ने खोल लिया, वो उसका लाल पान मुझे नजर आ गया। मैंने कहा शेरे की खानदानी जैकेट मिली, वो उसकी खानदानी जैकेट हमें मिली है, यही है पक्का। बंदा लड़का गाड़ी में घुस रहा था लेके, वहां से देख लिया उसने, लेके आ गया जैकेट, है घूम नहीं सकती खानदानी जैकेट, है घूम नहीं सकती।
फारिग हो चुके हैं। बस अब घर जा रहे हैं। बहुत इंजॉय किया, बहुत ही मजा आया। ठीक है, अब यहाँ पे हम कर रहे हैं व्लॉग को एंड, क्योंकि थक बहुत चुके हैं और कोई हम बात नहीं यहाँ पे फिलहाल कर सकते। अभी हम जा रहे हैं घर। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलते हैं। फिया मानेला, अल्लाह हाफिज। ओके।